स्वागत है आपका छुट्टी डायरी की और एक नए ब्लॉग में। हाय, माय नेम इज सोम। आज दार्जिलिंग में हमारा लास्ट डे है, तो सोचा लास्ट दिन को भी जितना हो सके यूटिलाइज किया जाए, और इसीलिए मैं आज पहुंच गया हूँ लेपचा जगत घूमने। शहरों के भीड़ भाड़ से दूर अगर नेचर के बीच आपको कुछ दिन बिताना है तो दिस इज द प्लेस फॉर यू एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस इन दार्जिलिंग। पहाड़ों के बीच ऐसे पाइन एंड ओक के फॉरेस्ट से घिरा हुआ ये लेपचा जगत एकदम शहरों के भीड़ भाड़ से दूर है। अगर आप लोगों को यहाँ पर रहना है या फिर कुछ दिन बिताना है शहरों के भीड़ से दूर, तो आपको पहले से होम स्टे बुक करके आना होगा, क्योंकि यहाँ पर होटल जैसा कुछ है नहीं। तो और अगर आप पीक सीजन में नहीं आते हो, ऑफ सीजन में आते हो, तो फिर आके भी होम स्टे बुक कर सकते हो। जगह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। नेचर अपने आप में इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, आपको ऐसी जगह जाने के बाद ही पता चलता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप एक बार आके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह है। दार्जिलिंग से निकल गया हूँ प्राइवेट कैब लेके, दार्जिलिंग से मिरिक होते हुए एनजीपी पहुँचना है शाम के, एक्चुअली रात में गाड़ी है, तो उससे पहले पहुँच जाओ तो ठीक है। और इसमें हम बहुत सारी प्लेस घूमने वाले हैं और आप लोगों को घुमाने वाले हैं, तो साथ रहिए। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा। आज हम लोग इसके अलावा और दो चार प्लेस घूमने वाले हैं, जैसे कि गोपालधारा टी एस्टेट, सीमाना व्यू पॉइंट, इंडिया नेपाल बॉर्डर, पशुपति मार्केट एंड मिरिक लेक। अगर आप लोग चाहो तो ये टूर दो तरह से कर सकते हो, एक तो दार्जिलिंग आने के वक्त और दूसरी मेरी तरह दार्जिलिंग से जाने के वक्त। दार्जिलिंग से मिरिक होती है सब प्लेस घूमते हुए एनजीपी तक पहुँचना। आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। बकबक करते हुए मैं अभी पहुंच गया हूँ हमारी आज की दूसरी स्पॉट, जिसका नाम है सीमाना व्यू पॉइंट। तो फिर क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं, ये बस एक इंडिया नेपाल बॉर्डर है। ड्राइवर अंकल ने हमसे कहा कि आप लोग उस तरफ जाइए, उस तरफ जाके जो पहाड़ आप लोगों को दिखेगा वो नेपाल है। वैसे कुछ क्या कहते हैं उसे, बॉर्डर जैसा कुछ तो है नहीं, ना कोई आर्मी है, ना कोई BSF और ना ही कुछ और, पुलिस भी नहीं, बस सिंपल इंडिया नेपाल बॉर्डर, वो रहा नेपाल। अब चाहो तो दौड़ के नीचे उतर के नेपाल जा सकते हो। जस्ट किडिंग। यहाँ पर ऐसे ही कुछ छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ पर से आप अगर चाहो तो कुछ छोटे मोटे शॉपिंग कर सकते हो। तो मैंने एक दुकान से कुछ खाने की चीज़ें ली थी, तब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा वो दूर का पहाड़ी सिर्फ नेपाल बॉर्डर नहीं है, आप जहाँ पर अभी खड़े हो वो ऑलरेडी नेपाल है। मतलब मैं ऑलरेडी नेपाल में ही था, अजीब है ना। तो मैंने उनसे पूछा तो इंडिया किस तरफ है, मतलब कहाँ से अलग होता है इंडिया और नेपाल। तो उन्होंने मुझसे कहा ये जो रोड देख रहे हो आप, रोड के इस तरफ नेपाल और उस तरफ इंडिया। सच में बहुत अजीब था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था ऐसे बॉर्डर देखते हुए जहाँ पर कोई भी आर्मी और BSF की ज़रूरत नहीं है। काश पाकिस्तान भी ऐसे ही सुधर जाता और बॉर्डर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जो भी हो, अभी जो आप लोग दूर के पहाड़ देख रहे हो वो है नेपाल। चलो बहुत हो गया, यहाँ पर यहाँ से निकलते हैं अगले स्पॉट की तरफ। सच में ये रास्तों का व्यू इतना अच्छा है ना, आप लोग देखते रह जाओगे। चारों तरफ बस पाइन का फॉरेस्ट, इतना अच्छा लगता है ना इन रास्तों से जाते हुए, मैं बोल के समझा नहीं सकता। चलो बोलते बोलते पहुंच भी गया हूँ हमारी अगले स्पॉट में, जिसका नाम है पशुपति मार्केट। एक्चुअली मैं अभी इंडिया नेपाल बॉर्डर में हूँ, हम यहाँ पर रुके हैं पशुपति मार्केट घूमने के लिए। आपको उस तरफ जाने के लिए आधार कार्ड लगेगा, आपको एक जगह एंट्री करना है, फिर आप यहाँ से उस तरफ जा सकते हो। आपको यहाँ से एक कैब लेना है फिर से 300 रुपये में, माँ कसम आपको बिल्कुल भी कैब नहीं लेना, बस 600 से 700 मीटर ही है पशुपति मार्केट। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा टेंपल है जिसका नाम है पशुपति टेंपल। ये पशुपतिनाथ टेंपल और पशुपति टेंपल दोनों बिल्कुल अलग हैं, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बस एक छोटा सा टेंपल है पशुपति मार्केट के बीचों बीच। तो मैंने सोचा पहले ये टेंपल घूम लेता हूँ, उसके बाद मार्केट भी घूम लेंगे। टेंपल छोटा है लेकिन आपको अच्छा लगेगा घूम के।
वैसे दिल में सोच के ही बहुत मजा आ रहा था कि मैं अभी नेपाल में हूँ। ये एक छोटा सा शिव जी का टेम्पल है, आप लोग देख ही सकते हो सामने छोटा सा शिवलिंग। चलो जल्दी से घूम लेता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, नहीं तो मार्केट नहीं घूम पाएंगे। और अभी मैं हूँ फेमस पशुपति मार्केट में। यार जितना भी हाइप था ना इस मार्केट के बारे में, मैंने सुनते हुए जितना एक्साइट हुआ था, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस एक छोटा सा मार्केट है, ठीक से तो कुछ मिलता है नहीं। और क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा प्राइस है चीज़ों का, आप कुछ खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकते। यहाँ से कहीं कहीं लाख गुना अच्छा है दार्जिलिंग का मॉल मार्केट। अगर आप लोगों को कुछ खरीदना है तो प्लीज़ वहाँ से खरीद लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ऊपर से दाम बहुत ज़्यादा है। चलो हो गया, यहाँ से भी निकलते हैं। चलो सामने अभी चाय के बागान आप लोग देख ही सकते हो, इसका मतलब है हम अभी पहुंच गए हैं हमारी अगले स्पॉट में, जिसका नाम है गोपालधारा टी एस्टेट। मैंने अभी तक दार्जिलिंग में आके जितने भी चाय के बागान घूमा हूं ना, ये उनमें सबसे बेहतर है। यहाँ पर अभी चाय के पत्तियां तोड़ा जा रहा है, क्या आप लोग देख सकते हो, अमेजिंग। अगर यहाँ से चाय खरीदने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, शायद अच्छी चाय खरीदने को मिले। चलो अंदर से भी घूम के आते हैं। बाय द वे, अगर आपको किसी टी एस्टेट में रहना है ना, देन आप यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करके आना होगा। 700 एकड़ में फैला हुआ यह टी एस्टेट इतना बड़ा है ना, आप पूरा घूम नहीं सकते। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग यहाँ से जितना भी दूर देखोगे ना, बस चाय के पहाड़ ही नजर आएगा, अमेजिंग व्यू, बेहद सुंदर है। लेकिन चलो यहाँ से भी निकलना पड़ेगा ना, नहीं तो घर कैसे पहुंचेंगे। आप लोग देख ही सकते हो दूर दूर तक बस चाय के पहाड़, आई मीन टू से चाय के बागान की पहाड़ है। बहुत अच्छा है देखने में। और अभी मैं हूं हमारे आज के आखिरी स्पॉट में, जो कि है मिरिक लेक। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, वो पार्क भी घूम लेता हूँ, ठीक है। पार्क की एंट्री फीस है 20 रुपया, लेकिन सच में पार्क में ऐसा कुछ है नहीं। पार्क का काम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था और वो लोग टिकट भी चालू कर दिए। यार इसका कुछ मतलब भी बनता है? बस एक ही चीज़ अच्छा है, लेक का व्यू। आपको पार्क में से लेक का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो और क्या है यहाँ पर देखने लायक? यार ऑब्वियसली मिरिक लेक है तो लेक देख सकते हो। इसके अलावा आप लेक पर बोटिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, और बहुत सारी दुकानें हैं तो फिर शॉपिंग कर सकते हो। चलो उस तरफ लेक के उस पार से घूम के आते हैं। बाय द वे, लेक एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर आप लोगों को बस वक्त नहीं हो तो ठीक से नहीं घूम पाओगे। मैं तो पैदल ही घूम रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो हॉर्स राइड कर सकते हो, जिसका किराया है 100 रुपया। लेक की इस तरफ आपको आई लव मिरिक का एक साइन भी मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पर आके कुछ पीक भी ले सकते हो या फिर वीडियो भी बना सकते हो।
तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले स्पॉट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।